पराठे का तेल ना आराम से निकल गया। कोई भी डीप क्लीनिंग करने का ना झमेला आपके लाइफ में रहेगा ही नहीं। रही हूँ एक ट्रेडिशनल बंगाली थाली। एक दो अलग अलग टाइप के तवा है, एक ही मैंने रखा हुआ है। और कभी कभी आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से लाइफ में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है वो तो बचपन से ही मुझे समझा दिया गया था। एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना एंड अपने रूटीन को फॉलो अप करने का नतीजा है कि मैंने जो गोल सेट किया था वेट लॉस का, उसको अचीव करने के लिए ना मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ती जा रही हूँ। 68 से 67 केजी हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं वीजस बना लाइफ का एक और नया ब्लॉग। सुबह उठ के सबसे पहला मेरा काम होता है गर्म पानी लेके छत पे आना। एंड आज ना छत पे आते ही आसमान के जो कलर्स थे ना, ये आई मीन पहली बार मैंने यहाँ पर देखा है। मानो ब्लैंक कैनवस हो एंड उस पर ना कलर किसी ने बिखेर दिया हो। जस्ट बहुत ही सुंदर लग रहा था आज का आसमान। एंड सुबह जल्दी उठने का ना यही मेरा मोटिवेशन रहता है कि जल्दी उठ के ना कुछ अपने लिए टाइम मैं निकालने का कोशिश करती हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद है। जैसे देखिए, मुझे प्लांट्स के साथ ना सुबह का स्टार्टिंग करने का बहुत अच्छा एक मतलब लगता है, तो मैं वही किया करती हूँ। कल रात को शायद बारिश हुई होगी तो सभी प्लांट्स के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है। एंड यहाँ पर देखिए, लग रहा है कि आसमान में स्पाइडरमैन चढ़ रहा है। लेकिन ना मैंने देखा कि कपड़े डालने वाले तार पे ना स्पाइडर ने वेब बना के रखा था। आई मीन ये लोग भी कितना मेहनत करते हैं ना फ्रेंड्स। जैसे हम हाउसवाइफ भी अपना घर को सजाते संवारते हैं, एक एक वेब ये लोग कितना टाइम लगा के ये सजाते हैं अपने घर को। तो पूरे दिन के लिए बहुत सारा एनर्जी लेके छत पे से मैं ना नीचे आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि देखिए आजकल बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा है एंड हमारे घर में रोटियाँ फिर से बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर ना मैंने जल्दी आके आटा गूंध लिया था, तो मैं एक एक करके ना रोटी नहीं, आज वैसे पराठा बनने वाला है, पराठे यहाँ पर बना रही हूँ। आज ना पहली बार मैं ना स्क्वायर शेप में पराठे बनाने का कोशिश करूँगी। यूँ तो मैंने ट्राइंगल वगैरह ट्राई किया है लेकिन स्क्वायर कभी मैंने ट्राई नहीं किया। सो देखिए, रोटी को थोड़ा सा मैंने बेल के स्प्रेड कर लिया है। अभी उसके ऊपर ना रिफाइंड ऑयल मैं लगा रही हूँ। इसको चारों तरफ से हमें कुछ इस टाइप से ना स्क्वायर शेप को देते हुए हमें फोल्ड कर लेना है। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस में लोग इसमें तरह तरह के मसाले का भी ना कोटिंग करते हैं, बट मैं ना सिंपल तरीके से आज पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आज का जो ब्रेकफास्ट है ना, हम सभी के घर में ये बहुत अच्छे अनचाव से खाया जाता है। वैसे तो आज टिफ़िन पैक करने का कोई रश नहीं है, क्योंकि समायरा के जो ऑनलाइन क्लास है वो आज भी कंटिन्यू रहेंगे, तो आज कल ना समायरा आपको घर पे ना अपने क्लासेस अटेंड करते हुए दिखेगी। साथ ही में मैंने चाय भी बिठा दिया है एंड सारे जो पराठे हैं वो मैंने रेडी कर दिया है, बस एक एक करके उसको सेकना बाकी है। लगे हाथों काउंटर टॉप में जितना भी डस्ट गिरा था आटा का, वो भी मैं यहाँ पर साफ कर ले रही हूँ। क्या आप भी तेल का लास्ट कतरा यूज़ करती हैं मेरी तरह? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, पैकेट फेंकने वाली थी लेकिन मैंने ना उसको उल्टा करके रख दिया एंड उससे एक पराठे का तेल ना आराम से निकल गया। इस तवे के बारे में स्वेता शर्मा जी ने पूछा था, तो ये अंजलि ब्रांड का नॉनस्टिक वाला तवा है एंड ये कभी कभार मेरे घर में निकलता है जब मुझे डोसा पराठा वगैरह बनाना होता है। यूँ तो रोटी के लिए भी मैंने हार्ड एनोडाइज वाला एक तवा रखा है, वो मैं रोटी बनाने के लिए जस्ट यूज़ करती हूँ। एंड जब भी मुझे इस टाइप के पराठे वगैरह बनाने होते हैं तो मैं इस वाले तवे का यूज़ करती हूँ। पॉपुलर डिमांड एंड रिक्वेस्ट की वजह से आज मैं ना अपने कुकवेयर का पूरा सेट आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को ना विदाउट स्किप करके एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। गरम गरम पराठा, उसके ऊपर अचार एंड गरम गरम चाय, इससे बेस्ट ब्रेकफास्ट भी हम इंडियन घरों के लिए क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आप लोग ही बताइए। सो देखिए, हमारा जो बेडरूम है वो लिटरली डिस्को थिएटर की तरह ही बन चुका है। अलग अलग टाइप के लाइट्स लगने शुरू हो गए हैं समायरा के डिमांड की वजह से।
तो देखिए यहीं पर समरा अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेगी, तो इस बेड को मैं सबसे पहले तो क्लियर कर दूंगी, क्योंकि देखिए अभी टाइम हो ही गया है स्कूल का। सबसे पहले समरा को मैं यहाँ पर बिठा दूंगी। वैसे भी समायरा अपना थोड़ा सा कार्टून देख रही है एंड मैं यहाँ पर उसका स्टडी टेबल वगैरह और जितने भी पीरियड वाइज बुक्स वगैरह है वो अरेंज करके ना उसके बिल्कुल हाथ के पास ही रखती जा रही हूँ। लगे हाथों तो बेड साइड टेबल में जितने भी एक्स्ट्रा सामान आ गए हैं उनको भी ना मैं यहाँ से क्लियर करते जा रही हूँ। सो यहाँ पर समायरा के जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले तो प्रेयर चल रहा है एंड मैंने वैसे तो ब्रेकफास्ट कर लिया था समायरा के साथ, लेकिन चाय लेके ना थोड़ी देर ना मैं उसके साथ बैठी हूँ सो दैट मुझे भी पता चलता रहे कि कौन सी क्लासेस कैसे कैसे ली जा रही है। आई नो इस मैट को भी ना वॉश करने का टाइम आ ही गया है। वेल यहाँ देखिए समायरा अपना क्लासेस अटेंड कर रही है एंड मैं दूसरे रूम में ना धीरे धीरे करके विदाउट मेकिंग एनी नॉइज सारा जो काम है वो निपटा लेने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वक्त रहते हुए घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है, प्लस जो आप लोग की रिक्वेस्ट थी मेरा कुकवेयर सेट देखने के लिए कि क्या क्या बर्तन मैं यूज़ करती हूँ उस चीज़ के लिए भी ना मुझे टाइम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट वाले रूम में लगे हाथों मैं जल्दी जल्दी से ना थोड़ा बहुत क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन कर ले रही हूँ एंड आज मुझे कवर्ड के एरिया जहाँ पर समायरा और मेरे कपड़े बेसिकली रहते हैं उसको थोड़ा सा ना अरेंज करना है। फ्रेंड्स आप अगर हफ्ते में एक बारी कवर्ड के एरिया या घर के किसी एक एरिया को पकड़ के अगर डीप क्लीन कर लेंगे ना, आपको पूरा कवर्ड साफ़ करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक सेगमेंट जैसे मैंने लिया हुआ है, ये मेरे टू डू लिस्ट में लिखा हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो समारा और मेरा वाला ही सेगमेंट जो है वो बाकी था, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड कुछ इस टाइप के आप रूटीन फॉलो करेंगे ना फ्रेंड्स तो आपको वीकली एंड मंथली बेसिस के तौर पे कोई भी डीप क्लीनिंग करने का ना झमेला आपके लाइफ में रहेगा ही नहीं। तो देखिए कवर्ड का ये वाला हिस्सा ही बाकी था, ये भी मैंने आज अरेंज कर दिया है। नीचे मैं बेडशीट वगैरह रखती हूँ वो तो पहले ही मैं अरेंज कर चुकी थी एंड ऊपर संजू और समारा के अगेन यूनिफॉर्म रहते हैं वो भी सेट हो चुका था एंड देखिए ये भी अभी बैठ के मैंने इसको क्लियर कर दिया। लीड लगा के गरम तेल में सब्जी छोड़ने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि छिटक छिटक के तेल के छींटे ना यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं और आप एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करने से बच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुकिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ मुझे मेरा कुकवेयर सेट आपको लोग के साथ ना बैठ के शेयर करना है, एक दो तो होता नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना है बोल के ना मैंने यहाँ पर जल्दी से फटाफट से कुकिंग का भी स्टार्टिंग कर दिया है। एंड संजू आज जल्दी भी आ जाएंगे लंच के लिए तो वो भी एक रीज़न है। तो देखिए बहुत सिंपल सा आज का हमारा जो लंच है वो होने वाला है, दाल मैंने जस्ट चढ़ा दिया है एंड यहाँ पर ना पतले पतले स्लाइसेस में मैंने वेजेस कट कर लिया है, यहाँ पर गाजर है और आलू के स्लाइसेस है, इसके ऊपर मैं नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ, हल्दी मिक्स करके ना थोड़ी देर इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। सो बहुत ही सिंपल तरीके से मसूर का दाल बन चुका है जिसको मैं एक दूसरे बाउल में सिप कर दे रही हूँ। साथ ही में थोड़ा सा मैंने फूलगोभी भी कट किया था जिसको मैंने इसी कढ़ाई में फ्राई करके निकाल लिया है। फिश को फ्राई करते ही लंच के लिए हमारी स्पेशल थाली के सारे आइटम ना बन चुके हैं। अच्छा हुआ आज मैंने कपड़े नहीं वॉश किए, नहीं तो देखिए आसमान का हालत, अब भी किसी भी वक्त बारिश ना झमाझम बरस सकती है। सो चलिए जितने फटाफट से आज के घर का काम मैंने कंप्लीट किया है, हमारे यहाँ पर टाइम हो चुका है, नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, संजू आ चुके हैं एंड यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एक ट्रेडिशनल बंगाली थाली जिसमें बंगाल में पसंद किया जाने वाले लंच के सारे आइटम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दाल है, माछ भाजा है, गरम भात है और अलग अलग टाइप के वेजेस के फ्राइज हैं। मैं पहले क्या किया करती थी फ्रेंड्स, खाना बनाने के तुरंत बाद ना कुकटॉप साफ़ कर लिया करती थी। तो आप जैसे कुछ कंसर्न व्यूअर्स ना उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि दीदी स्पेशली ग्लास वाले जो कुकटॉप रहते हैं ना उसको ठंडा होने के बाद आप क्लीन करिए, नहीं तो जो ग्लास है वो डैमेज हो सकता है।
तो सिर्फ मैं दूसरों को मोटिवेट करती हूँ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप जैसे कुछ अच्छे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं जिनकी बातें सुन के ना मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही सीखने को मिली हैं। सो मेरे साथ इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं अपने कुकवेयर सेट दिखाऊंगी सारे के सारे, तो अभी जाके ना मैं फ्री हो पाई हूँ। देखिए संजू समारा दोनों सो रहे हैं, लंच वंच हो चुका है, किचन भी क्लीन हो चुका है एंड यहाँ पर देखिए बर्तन भी जितने भी निकले थे लंच के बाद वो भी वॉश हो चुका है। सो बहुत ज़्यादा तो आइटम नहीं है मेरे पास फ्रेंड्स, लेकिन जितना भी है वो मैं आपको शो करूँगी और जिस कंडीशन में है सही में मैं वैसा ही शो करूँगी आपको। एक एक करके मैं निकाल लेती हूँ फिर आपको ना आराम से सब दिखाऊँगी। सो ना बेसिकली स्टार्ट करते हैं ऐसे कुकटॉप से जिनसे शायद मैंने अपनी घर गृहस्थी जो थी वो स्टार्ट की थी। तो ये ना तीन का सेट था जिसमें से ये तवा है और ये कढ़ाई है जो कि अभी कुकिंग के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो कोटिंग होता है ना वो निकल चुका है, प्लस ये जो तवा है इसका भी सेम वही कंडीशन है। लेकिन हाँ इन चीज़ों को ना मैं फेंक नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग से ही मेरे साथ है और इसको कभी ना कभी मैं किसी ना किसी तरीके से यूज़ करने का कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे घर में पार्टीज वगैरह कभी अगर होती है तो एक्स्ट्रा खाना हो गया उसको रखने के लिए, स्टोरेज के हिसाब से मैं इसको एक्स्ट्रा खाना स्टोर करने के लिए ना इसको यूज़ किया करती हूँ। ये भी मेरे साथ बहुत पहले से है। मुझे इसका कैपेसिटी तो नहीं पता लेकिन मुझे लगता है ये दो किलो से ज़्यादा का इसका कैपेसिटी है और ये मैंने गुवाहाटी यानी कि मेरा जो सेकंड स्टेशन था संजू के साथ वहाँ पर मैंने लिया था। तो वहाँ पर ना हाट बैठता था नारंगी स्टेशन के पास, तो उधर से मैंने ये लिया था और ये भी कभी कभार मेरे घर में निकलता है। बहुत पुराना मतलब इसका साथ है मेरे लाइफ में। अभी बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जिसका अभी मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये वाला जो अल्मोनियम का कढ़ाई है ये आप देखते होंगे मैं यूजली यूज़ करती हूँ उसको हर एक कुकिंग के दौरान। ये निकलता है मेरे घर में मतलब रोज का है, ये रोज निकलेगा, रोज इसमें कुकिंग होगा। प्लस मेरे पास ये हार्ड एनोडाइज एक कढ़ाई भी है, देखिए ये मैंने कैंटीन से ही लिया था और इसको भी आप रेगुलर के बेसिस में मेरे घर में यूज़ होते हुए देख ही लेते हैं। इसके साथ आपको फ्रीक्वेंटली मेरे घर में ये दो अलग अलग साइज़ के कुकर दिखेंगे। ये मैं ज़्यादातर आपको पता है जब मैं इडली वगैरह बनाती हूँ तब निकलता है, ये 5 लीटर का है। ये जो कुकर था ये मुझे फ्री मिला था जब मैंने पहली बार इंडक्शन लिया था शादी के जस्ट बाद, क्योंकि हमने तब गैस नहीं लिया था, हम इंडक्शन में खाना बनाते थे। तो इंडक्शन के साथ ये वाला चीज़ मुझे फ्री मिला था। इसके बहुत दिनों बाद फिर मैंने ये जो 2 लीटर का ये जो छोटा सा कुकर है इसके बहुत बाद लिया था मैंने, बहुत बाद। तो सबसे ज़्यादा अभी यही यूज़ होता है, आप देख सकते हैं कुकिंग का इसमें निशान है, एविडेंस है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। रेगुलर बेसिस पे मैं ये 2 फ्राई पैन यूज़ करती हूँ। ये सबसे छोटा वाला मोस्टली ऑमलेट वगैरह या जल्दी कुछ गर्म करने के लिए मैं बनाया करती हूँ, उसको निकाला करती हूँ। और ये जो फ्राई पैन है इसको खैर अभी मैंने वॉश किया है बोल के थोड़ा गीला लग रहा है आपको, इसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ लेकिन बहुत जल्द मैं इसको भी मतलब हटाने वाली हूँ क्योंकि ये भी ना और यूज़ करने लायक नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ से ना इसका जो कोटिंग है वो ना निकल रहा है। एंड मेरे घर में 2 अलग अलग टाइप के तवा है। ये हार्ड एनोडाइज वाला तवा है फ्यूचुरा का जो कि कुछ दिन पहले मैंने कैंटीन से लिया था एंड आपके साथ वो शेयर भी किया था मैंने। तो ये बेसिकली रोटी वगैरह बनाने के लिए निकलता है। एंड ये एक दूसरा नॉनस्टिक जो कि अंजलि ब्रांड का है, ये ना सेट में आया था, मैं आपको बताती हूँ पूरा सेट आया था इसके साथ। इसके साथ ये एक फ्राई पैन आया था, बहुत ही छोटे साइज़ का है, जैसा मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ना उससे बहुत छोटा है। तो ये भी ना मतलब पूरा सेट में था, ऐसे पूरे सेट में, इसमें तवा था, फ्राई पैन था और ये वाला कढ़ाई। घर में एक ही स्टील का कढ़ाई है जिसका कुकिंग में कम और खाना सर्व करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे से बर्तन भी है
जो रेगुलर आप मेरे घर में देखेंगे। और ये एक चीज़ है जो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, इसमें भी आप कुकिंग कर सकते हैं। ये वाला मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया है, तो दोनों एक ही टाइप के हैं, आप इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं, खाना भी गर्म कर सकते हैं। और इसको बेसिकली मैं स्टोरेज या गेस्ट वगैरह आते हैं तो कुछ खाना सर्व करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। बाकी मेरे घर में दो ऐसे हांडी है, ये वाला हांडी भी मैं जब नया शादी हुआ था तब मम्मा ने मुझे ख़रीद के दिया था सो दैट मैं इसमें राइस वगैरह बना पाऊँ। अभी तो इसका वैसे उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बस इतना सा हम लोग राइस बनाते थे इसमें इतना आता था। मुझे मिट्टी के जो पॉट होते हैं ना उसमें कुकिंग करने का बहुत शौक होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, एक ही मैंने रखा हुआ है। और कभी कभार मेरे घर में इसको भी आप देखेंगे कुकिंग के दौरान मैं निकालती हूँ। मोस्टली मैंने इसमें एक बार चिकन बनाया था और एक दो बार शायद कड़ी के लिए मैंने इसको निकाला था, और एक बार शायद मैंने इसमें दम बिरयानी भी, हांडी दम बिरयानी भी बनाया था और आपके साथ शेयर भी किया था वो चीज़। वेल कुछ इतने ही मेरे पास कुकवेयर के आइटम्स हैं फ्रेंड्स जिनको मैं रेगुलर एंड ओकेजनली यूज़ करती हूँ। आई रियली होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।